हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में, और मैं हूँ बीना रावत। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है यूबिका रावत एंड फैमिली। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त है। यूबिका की आज छुट्टी है और यूबिका कर रही है यहाँ पे पढ़ाई। तो गाइस, हमारे दो दिन दूध फट गया क्योंकि फ्रिज गैस नहीं थी फ्रिज में, वो भी आज भरवा दिया है गैस। तो गैस, ये हमारा फटा हुआ दूध था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू डाल दिया है, इसका दूध अलग निकल गया है। पानी से भी वॉश कर लेती हूँ, ताकि जो मैंने नींबू डाला था वो सारा खट्टापन निकल जाए, खटाई निकल जाए। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, इसको निकालती हूँ, देखती हूँ ये कैसा बना। तो देखिए गाइस, ये पनीर बनके तैयार हो गया। मैं इसको खोल देती हूँ। तो अब मैं इसकी मिठाई बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 गिलास दूध ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करूँगी, जब इसमें एक उबाल आ जाए। तो चीनी ऐड करके उसमें इलायची पाउडर डाल दूँगी, कुटी हुई इलायची, पाउडर नहीं बना रखा लेकिन कुटी हुई इलायची डाल दूँगी। और उसके बाद इसको थोड़ा उबालूँगी, पकने दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें फटा हुआ जो पनीर था, जो पनीर बन के तैयार हुआ था, उसको ऐड कर दूँगी। इसमें डाल दिया मैंने पनीर, तो मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया, और इसको तेज आंच पे कंटिन्यू चलाते रहना है, इसको पकाते रहना है। तो ये देखिए, जब तक इसमें इसके अंदर दूध ना मिल जाए। तो ये अब बन चुका है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ और इसको अच्छे से फैला दूंगी। लेकिन और बची हुई थी वो, तो मैंने कहा कुछ अलग सा बनाऊंगी। तो पता नहीं, अभी देखते हैं अभी मिठाई कैसी बनती है। अभी इसको सुखाने रख दूंगी, उसके बाद इसको कट करके दिखाऊंगी आपको। कलाकंद बोलती इसको, या तो कलाकंद बनेगा या तो बर्फी बनेगी। गाइस, पहली बार बना रही हूँ तो पता नहीं बनेगी क्या बनेगी, पर दिखाएंगे आपको। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पता नहीं कैसा बना होगा। तो ये बन गई आपकी मिठाई। गाइस, मैं डाल रही इसके ऊपर से काजू। गाइस, अगर इसके साथ पिस्ता होता तो और मजा आ जाता। तब मैं इसको सुखाने रख देती हूँ 8-10 घंटे। गाइस, तो ये अब सूख गया है, मैं इसको कट करके दिखाती हूँ।
और ये मैंने दबा के नहीं रखे फ्रूट, वो ड्राई फ्रूट, तो ये ऐसे गिरने गिर रही है। तो गाइस, अगर आपके घर में भी अगर दूध फटता हो तो आप भी इसका इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारा पूरा 3 किलो दूध फटा, तो फिर उसको इतना इतना दूध वेस्ट कहाँ जाने देती। तो मैंने भी कल रात सब्जी बनाई थी, पनीर की भुर्जी बनाई थी, और आज मैंने सोचा कुछ मीठा बनाऊं। और गाइस, ये वाली मिठाई बहुत ही आसान है बनाना, और इसमें ज़्यादा मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दूध और चीनी चाहिए, और ये पनीर चाहिए फटा हुआ दूध चाहिए मतलब, और वैसा दूध भी चाहिए और चीनी बस। तो मैं अब इनको सारा निकाल देती हूँ एक एक करके, फिर दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों, मैंने ये सारे अब निकाल दिए, एक डिब्बे में रख दिए हैं। तो गाइस, अब मैं थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ, अच्छा हुआ। वैसे मुझे दूध वाली मिठाई पसंद नहीं है, फिर भी मैं टेस्ट करके देखती हूँ। अच्छा हो रहा है, तो आप भी ट्राई करिएगा। तो दोस्तों, जीवन में हर कोई घटना कुछ न कुछ सिखा देती है। तो अभी हमारा दूध फटा, तो हमको मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल गया, पनीर कैसे बनता, उससे और क्या क्या चीज़ें बना सकती है। अभी ट्राई करेगा और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो मेरा भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।